गैस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग किस तरह से की जाती है, ट्राई कैच सिंटैक्स को देखेंगे और वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गैस आगे बढ़ेंगे, कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। प्रॉमिस का मसाला तो यार मैंने आप लोगों को काफ़ी बताया, आप लोगों को मज़ा भी आया, आनंद तो मैं देता ही हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आज ज्ञान दूंगा और ज्ञान दूंगा ट्राई कैच का, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या होगा कि अगर आपको कोई एरर मिल जाता है। मान लो कि आप यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग करना चाहते हो और आप लिखना चाहते हो हैकिंग वाईफाई, ठीक है, प्लीज़ वेट, और आप लिखना चाहते हो प्लीज़ वेट, ठीक है, और फिर आप लिखना चाहते हो रिट्रीविंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, फेचिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और हम एक काम करते हैं सेट टाइम आउट के अंदर डालते हैं इसको, ठीक है, सेट टाइम आउट, अरे भाई सजेशन तो दे दो, सजेशन भी नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, अरे नहीं ये क्या कर दिया मैंने, मुझे इसको लेकर जाना है सिर्फ, तो मैं क्या करूँगा एक सेकंड के बाद, यानी कि यहाँ पर 1000 लिख दूँगा, एक सेकंड के बाद मैं हैकिंग वाईफाई प्लीज़ वेट लिखूँगा, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको रेप्लिकेट करूँगा और लिखूँगा फेचिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वो मैं करूँगा 2 सेकंड के बाद, ठीक है, ये 2 सेकंड के बाद करूँगा मैं, और 3 सेकंड के बाद फिर कुछ और करूँगा, और उसके लिए मैं इसी को क्यों ना रेप्लिकेट कर लूँ, इतनी टेंशन नहीं है। 3 सेकंड के बाद मैं, मान लो आपका दोस्त बैठा हुआ है, मान लो मेरे बगल में राहुल बैठा हुआ है, हैकिंग राहुल्स फेसबुक आईडी, ठीक है, आईडी एंड फिर लिख दूँगा, राहुल डर जाए ताकि यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ऑफ राहुल फेच्ड, और जस्ट राहुल को डराने के लिए राहुल का नंबर भी लिख दूंगा, ठीक है, +91, इस पर कॉल मत कर देना यार प्लीज़, मैं रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ, 2224262810, ठीक है। तो यार ये नंबर मैंने राहुल का, मान लो ये नंबर है, ठीक है, और ये फैच हो गया। अब मान लो मैं इसको चलाता हूँ, मैं कहूँ राहुल, राहुल, वो कहेगा हाँ भाई क्या बात है, मैं कहूँगा राहुल मैं तेरा हैक कर रहा हूँ कंप्यूटर, वो कहेगा भाई क्या मजाक कर रहा है, कहना भाई देख लो हैकिंग वाईफाई प्लीज़ वेट, फेचिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्लीज़ वेट, हैकिंग राहुल फेसबुक आईडी प्लीज़ वेट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑफ राहुल फेच प्लीज़ वेट, राहुल कहेगा भाई ये क्या कर दिया, डर जाएगा वो, कम से कम अपना पासवर्ड तो घर जाकर चेंज करेगा ही करेगा एट द वेरी लीस्ट, ठीक है, और आपको क्या आएगा इसमें, आनंद आएगा क्या, मे बी, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग राहुल, अब मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग का कौन सा तार किधर से हिला, लेकिन आपने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग राहुल लिख दिया, ये मुझे पता है बस, और कंसोल डॉट लॉग राहुल जब आप लिखोगे यहाँ पर और रिलोड करोगे तो आपको एक एरर तो मिलेगा, और बनता भी है एरर बनता भी है, और यहीं पर आपकी स्क्रिप्ट रुक जाएगी। हैकिंग की प्रक्रिया में अड़चन तो आ चुकी है लेकिन आपको एरर भी मिल गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको एरर मिल चुका है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एरर आया तो ये बाकी के जो सेट टाइम आउट्स थे ये चले, बट मान लो आप अगर कंसोल डॉट लॉग राहुल यहाँ लिख देते तब क्या चलते ही है, ये नहीं चलते क्योंकि आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होता, सिर्फ पहला सेट टाइम आउट आपका चलेगा, फिर ये चीज़ जब उसको मिलेगी ना एरर वहीं पर रोक देगा, आपके बाकी के सेट टाइम आउट चलने ही नहीं वाले, और क्या चाहोगे ऐसा हो, सीधा ही एरर आ गया राहुल इज़ नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो क्या हुआ, आपकी स्क्रिप्ट रुक गई यार, बाकी के नीचे का जो कोड था वो नहीं चला, लेकिन आप चाहते हो कि यार अगर मैंने गलती कर भी दी ना तब भी मेरा नीचे का कोड चले। अब आपको प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ में इस तरह से गलतियां नहीं करोगे, होगा क्या, मान लो आप यहाँ पर फेच करना चाहते हो कोई चीज़, मान लो आप नेटवर्क से कुछ फेच करना चाहते हो और आपने गलती हो गई, उसमें एरर आ गया, मान लो 500 एरर आ गया, या आपका डेटा फेच नहीं हो पाया, या फिर जो सर्वर था उसमें आग लग गई, या फिर मान लो आपका तार काट दिया पड़ोसी ने आपके, आपसे जल के, मुझे नहीं पता क्या हुआ, आपकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं हो पाई, और अगर ऐसा होगा तब आप लोग को यहाँ पर मिलेगा एरर, लेकिन आप चाहते हो कि अगर एरर मिले तब भी कंटिन्यू करते रहो, तो उसके लिए सिंटैक्स होता है ट्राई कैच का। आप कहते हो देखो ट्राई मारो इस चीज़ को, अगर ट्राई कर सकते हो ट्राई करो इसको, पहले तो कोशिश करो कि भाई ये चल जाए, और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर राहुल रन होकर नहीं मिल रहा है तब आप एरर थ्रो मत करो, आप कंसोल डॉट लॉग कर लो एरर को, ये कह रहे हो आप कह रहे हो भाई स्क्रिप्ट को रोकना मत, यानी स्क्रिप्ट में एरर नहीं आना चाहिए, उल्टा इस एरर को हैंडल करते हुए मुझे कंसोल में एरर दे दो, इस बात का मतलब समझे दया,
इसका मतलब ये है कि अब मैं अगर इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे एरर तो दिख रहा है, लेकिन ये एरर नहीं है, ये कंसोल लॉग स्टेटमेंट है एक। मैंने एरर को हैंडल कर लिया, मैंने कहा भाई एरर अगर आता है तो ये कर दो, हो सकता है एरर अगर आ रहा है तो मैं बल्ले बल्ले लिख दूँ, मेरी मर्ज़ी भाई। मैं कहता हूँ कि भाई एरर अगर नहीं आया तो ठीक है, एरर अगर आ गया तो बल्ले बल्ले लिख दो, तो यहाँ पर बल्ले बल्ले लिख कर आएगा, एरर आ गया तो बल्ले बल्ले आ गया और बाकी कोड चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके एरर की वजह से स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन ना रुके, तब आप लोग ट्राई कैच का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आ जाओ नोट्स में जो कि मैंने आपके लिए बना रखे हैं, और नोट्स के अंदर एरर हैंडलिंग में मैंने लिखा हुआ है, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, ऑल्सो समटाइम्स आवर स्क्रिप्ट कैन हैव एरर्स, यूजुअली अ प्रोग्राम हॉल्ट्स व्हेन एन एरर अकर्स। ये तो पता है हम सबको। द ट्राई कैच सिंटैक्स अलाउज अस टू कैच एरर्स सो दैट द स्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ डाइंग कैन डू समथिंग मोर रीजनेबल, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ट्राई कैच यूज़ नहीं करता, यहीं पर रुक जाता एग्जीक्यूशन और कहता भाई राहुल को हम नहीं जानते, राहुल कौन है। फिर अगर मैं ट्राई कैच लगा दूँ तो वो कहेगा हाँ ठीक है राहुल को हम नहीं जानते, ये एक एरर है, लेकिन क्योंकि तुमने ट्राई कैच लगा रखा है कोई दिक्कत नहीं है, हम ये चीज़ रन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ट्राई कैच सिंटैक्स कुछ इस तरह से काम करता है, मैंने आपको बता दिया। ट्राई कैच सिंटैक्स ऑल्सो हैज़ टू मेन ब्लॉक्स, ट्राई और फिर उसके बाद कैच। कैच में आपको एरर वेरिएबल भी मिलता है, आप ERR लिख लो, आप एरर लिख लो, आप यहाँ पर जो है कुछ भी लिख दो यार, अपनी क्रश का नाम लिख दो यहाँ पर, ठीक है। मान लो आपने स्वाति लिख दिया यहाँ पर, तो आपको स्वाति के नाम से एरर मिल जाएगा। ऐसा करना मत अपनी स्क्रिप्ट में, कर ये नहीं स्वाति स्वाति लिखना शुरू कर दिया लोगों ने, पता पड़ा फिर नहीं भाई ऐसा मत करना, ठीक है। लेकिन मैं बस बता रहा हूँ आपको, देखो रेफरेंस एरर राहुल इज़ नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है। ये स्वाति वाति लिखना नहीं है, ठीक है, बस एग्जांपल था ये, ठीक है। ज़्यादा दिल में नहीं लेते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पर देखो, इट वर्क्स लाइक दिस, फर्स्ट द कोड इन ट्राई इज़ एग्जीक्यूटेड, मतलब ट्राई किया जाएगा कोड, और अगर एरर आता है, सबसे पहले तो हम उम्मीद करेंगे एरर ना आए, हम सबसे पहले एरर नहीं आए तो बात करेंगे, कैच को इग्नोर कर दिया जाएगा। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि कैच को हमारे इग्नोर कर दिया जाए, कैच हमारा ना चले, ठीक है। हमारी हमेशा उम्मीद ये रहेगी कैच ना चले, लेकिन अगर ट्राई के अंदर जो कोड था उसमें एरर आ गया तो कैच चलेगा, वहीं रुक जाएगा ट्राई जहां एरर आया, और उसके बाद सीधा जो कंट्रोल है वो कैच के अंदर आ जाएगा और सिंपल आपका रन होना शुरू हो जाएगा कैच के अंदर का कोड। ट्राई कैच सिंक्रोनसली काम करता है। अगर एक्सेप्शन आपकी शेड्यूल्ड कोड में आती है, मतलब कि एक्सेप्शन अगर आपके शेड्यूल्ड कोड में आती है तो ट्राई कैच उसको हैंडल नहीं करेगा। इसका एग्जांपल बताता हूँ, शायद आपको ऐसे समझ में ना आया हो, बट मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरे कहने का यहाँ पर क्या मतलब है। देखो मेरे कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग राहुल और मैंने ये चीज़ ट्राई के अंदर डाली है, तो ये तो हैंडल हो जाएगी। आप देखो यहाँ पर मुझे रेड कलर का एरर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि एरर को, तो इसलिए मुझे देखने को मिल रहा है। और मैं अगर ये भी ना करूँ, प्लस ERR भी ना करूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। मैं यहाँ पर बल्ले बल्ले के साथ साथ हैकिंग वाईफाई और ये सब चीज़ें जो मैंने प्रिंट करी हैं वो हो जाएंगी। बट अगर हम यहाँ पर इसी कोड को सेट टाइम आउट के अंदर डाल दें, मान लो मैं कहूँ सेट टाइम आउट और इसके बाद मैं एक एरर एरो फंक्शन दूँ और मैं कहूँ कि बाद इसको 100 मिली सेकेंड यानी कि ऑलमोस्ट इमिडिएटली रन कर दो, ठीक है। और इसको मैं कुछ ऐसे करूँ, और मतलब अगर आप उम्मीद करते हो कि आपका जो ये कोड है ये आपका रन हो जाए और हैंडल हो जाए, अगर एरर है तो नहीं होगा, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, मैंने इसको रिलोड किया, आप देखो यहाँ पर राहुल इज़ नॉट डिफाइंड आ गया। अब आप लोग कहोगे कि यार ट्राई के अंदर डाला था उसके बाद भी एरर हैंडल नहीं हुआ, ये क्या चल रहा है। देखो भाई, ट्राई के अंदर आपका सिंक्रोनस कोड जो है हैंडल किया जाएगा, ये आपने शेड्यूल कर दिया कोड, तो शेड्यूल तो हो गया ना। अब शेड्यूल होने के बाद एरर आए, ये गारंटी इस ट्राई कैच की नहीं है, इसके लिए आपको इसके अंदर ट्राई कैच लिखना पड़ेगा। इसके अंदर अगर आप लोग ट्राई कैच लिखते हो कुछ इस तरह से, देखो ट्राई कैच ब्लॉक इसने मुझे बड़े अच्छे से दे दिया, तब ये भी हैंडल हो जाएगा, वो एक अलग बात होगी। बट अगर आपने सेट टाइम आउट के बाहर लिखा हुआ है ट्राई कैच, वहाँ पर आपका ये हैंडल नहीं होगा। देखो ये हैंडल हुआ बट ये हैंडल नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ट्राई कैच लगा दूँ और इसके अंदर में ट्राई कैच ना लगाऊँ, तो भाई इसकी ज़िम्मेदारी जो है जावास्क्रिप्ट इंजन की नहीं है। ये वाला ट्राई बोलेगा भाई शेड्यूल तो हो गया ना, अब मेरा अब मान लो कि किसी ने कह दिया कि भाई मेरे बेटे को स्टेशन तक छोड़ देना, आपने छोड़ दिया स्टेशन तक, फिर उसके बाद वो आपसे कहती हैं कि भाई मेरा बेटा जो है गलत आदतों में पड़ गया है, ये क्या कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे भाई मैंने तो स्टेशन तक छोड़ दिया ना, मेरी मेरा क्या दोष है उसमें, क्या कर रहा है ज़िंदगी में, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ट्राई के अंदर शेड्यूल करने का काम है बस इसका। अगर शेड्यूल नहीं हो पाया फॉर सम रीज़न तो एरर आ सकता है, बट
शेड्यूल हो ही जाएगा, और इसके बाद सेट टाइम आउट जब चलेगा फ्यूचर में, मतलब 100 मिलीसेकंड बाद भी फ्यूचर ही है, ठीक है, फ्यूचर में जब चलेगा तब यहाँ एरर आएगा, तो भाई ये जिम्मेदारी इस ट्राई कैच की नहीं है। यही बात मैंने यहाँ नोट्स में लिखी हुई है कि ट्राई कैच वर्क सिंक्रोनसली, इफ एन एक्सेप्शन हैपेंस इन शेड्यूल कोड लाइक इन सेट टाइम आउट देन ट्राई कैच वोंट कैच इट। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी स्टोरी है, आपको समझ में भी आ गई होगी। ट्राई सेट टाइम आउट एरर कोड, यानी कि यहाँ पर कुछ कोड लिखा जिसमें एरर है, स्क्रिप्ट डाइज एंड कैच वोंट वर्क, ठीक है, दैट्स बिकॉज द फंक्शन इट सेल्फ इज एग्जीक्यूटेड लेटर व्हेन द इंजन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द ट्राई कैच कंस्ट्रक्ट। समझ रहे हो, मतलब कि जो जावास्क्रिप्ट इंजन था उसने इसको प्रोसेस करना, यानी कि ट्राई के अंदर ट्राई ने कहा चलो ढूंढता हूँ एरर, कोई एरर नहीं है, शेड्यूल कर दो, चलो भाई आगे बढ़ो, ऐसे चलता ही है, ठीक है। फिर जब शेड्यूल हुआ हुआ कोड, यानी वो कोड जो कि आपने शेड्यूल किया था, वो रन होगा जब, तब जाके यहाँ पर एरर मिलेगा। तो ये वाले ट्राई ने तो फिर देखना बंद कर दिया था, उसके बाद कुछ होता है तो फिर क्या हो गया, वही बात हो गई कि आपने कह दिया कि भाई यहाँ ध्यान रखना, दूध मैंने खोल पे लगाया हुआ है, कहीं दूध निकल ना जाए। आप बोलोगे हाँ चलो ठीक है मैं देख रहा हूँ। आपको आती है 10 साल के बाद एक कॉल कि भाई मैंने तुमसे 10 साल पहले कहा था कि दूध उबल रहा है, जब मेरा उबल रहा था आज मैंने फिर दूध उबाला, गिर गया। तो भाई मैं 10 साल तक थोड़ी देखता रहूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर से एक्सेस कर लें। अगले वीडियो में एरर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर फाइनली क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है इस कोर्स में। तो इसको यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क कर लेना या क्लिक करके सेव कर लेना। काफ़ी लोग कह रहे थे कि जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स हिंदी लिखने पर आ नहीं रहा ये कोर्स, कहीं से कहीं तक नीचे दिखाई नहीं दे रहा यूट्यूब पर, बट मैं बस आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। अभी हो सकता है काफ़ी टाइम तक कि आपको ना दिखाई पड़े सर्च में, तो आपको चैनल में जाकर ही देखना पड़ेगा इसको। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।